हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस मॉर्निंग, न्यू मॉर्निंग इन दुबई। सो गाइस, रात को हम लोग आए थे लेट, 12-1 बज गया था हमें। मैं ऐसे ही सो गई थी विद मेकअप, काजल पूरा फैला हुआ है और कपड़े मतलब टी शर्ट यही पहनी, नीचे का चेंज कर लिया लोअर और शोल्डर, हाथ मतलब ऊपर करती, चेस्ट भी दुख रही है जैसे हम जिम मार के आते हैं ना, और चेस्ट पेन करती है, आर्म्स दुखती हैं क्योंकि मैंने मीकू को रखा था। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि बाद में मुझे पता चला जब बॉडी रिलैक्स मोड पे कहीं भयंकर दर्द हो रहा है, मतलब बाजुओं में तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्वेलिंग टाइप हो रखा है, पंप हो रखी है मेरी मसल्स, ठीक है। सो सुबह सुबह चाय बनाई थी सोनू ने और ये बन लेके आए थे, सामने से बहुत अच्छी धूप आ रही थी विंडो से, और चीकू उठ के आ गया था, चीकू नाइट सूट पहना दिया था मैंने, रात को चेंज कर लिया था, और इसने मेरे को आते ही गुड मॉर्निंग मतलब डेली ये भी मुझे बोलता है, मैं भी इसको बोलती हूँ विद किसी, ठीक है। फिर सोनू ने बताया कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, टोस्ट बन जो भी आपको चाहिए, तो सुबह ये लेके आ गए थे। और उसके बाद हमारे लिटिल लिटिल जोए उठ गए हैं, हमारे छोटी सी जान मीकू शर्मा रिहान और देखो सुबह सुबह विद स्माइल उठता है ये, और ऐसे देखो किसी का भी दिन बन जाए हमारे चिक मीकू को देख के, ठीक है। उसके बाद हम लोग नहाई नहाई करी हम लोगों ने, और सबसे पहले मैंने मीकू को नहलाया, चीकू को नहलाया, फिर मैं नहाई, फिर मैंने स्किन को देखा कि कैसी लग रही है, यहाँ का पानी कैसा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और मीकू सो गया था, फिर हमने सारा अच्छे से सेट करा घर को, यानी कि रूम को, सारी चीज़ें जिधर भी देखो ना कांच के वो लगे हुए हैं टेबल सब जगह, तो पूरा अच्छे से क्लीन किया, समेटा, सब जगह ख़राब कर दिया था हमने, तो अच्छे से सेट किया। अलमारी में भी कपड़े रखेंगे, कंबल हमारा हमने नया निकाल लिया था, चीकू खेल रहा था अपने लेगो के साथ। सो अभी किचन में मैंने दिखाया कि यहाँ पे ग्रोसरी है, जग है गर्म करने के लिए, वॉशिंग मशीन चालू कर दी थी कपड़े जो हमारे कल के थे धोने के। फिर खाने में हमने अगेन फ्राइड राइस ऑर्डर करे जो हमने रात को खाए थे, सो सोचा चीकू यही खा लेगा, सोनू ने तो बोला था नीचे से पिज़्ज़ा वगैरह कुछ, मैंने कहा नहीं हेल्दी खाएंगे, चीकू का भी स्टमक फिर अपसेट हो जाएगा, इस वजह से चीकू फ्राइड राइस अच्छे से खा लेता है, और ये तो बिल्कुल स्पाइसी भी नहीं थे। और कुकुम्बर का हमने खाली सैलेड मंगवाया क्योंकि ये सैलेड में है ना काफ़ी सारी चीज़ें दे देते हैं जो कि वेस्ट होती है, हम सिर्फ कुकुम्बर ही खाते हैं। सो मेरे कंधे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मेरे से हाथ मतलब फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा था, तो मैं इनको यही बोल रही थी कि मेरे जो थेरेपी है वो कब चालू होगी, तो बोले कि इंश्योरेंस नहीं है अभी, मेडिकल में हम नहीं दिखा सकते। तो ये इसके खाने के बाद जो है सोनू गए थे सारा ग्रोसरी का सामान लेने ताकि हम शाम को खाना बना सके, तो फिर ये देखो पूरा भर के लाए, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, जैसे वहाँ पे डी मार्ट होता है यहाँ पे भी ऐसे काफ़ी बड़ा मार्ट होता है, तो वहाँ से सब कुछ ही मिल जाता है आपको एक ही जगह से। ये दोनों पापा बेटा गए थे, आलू का साइज़ देखो, मैंने बोला इतने बड़े बड़े आलू, तो सोनू बोले ये सबसे छोटे मैं छाँट के लेके आया हूँ, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, इंडियन ग्रोसरी जो भी आपको चाहिए होती है, खड़े मसाले, बट हाँ क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और ये देखो चकला बेलन, सोनू बोले कि मम्मी ने कहा था कि वहाँ पे चकला बेलन नहीं मिलेगा ले जाओ, बट वो भी मिल गया, राइस, और ये एप्पल यूके से आए थे, मतलब इम्पोर्ट होते हैं ना हर एक जगह, यहाँ पे टैग लगा होता है हर एक चीज़ पे कि ये इंडिया से आया है, ये कहाँ से आया है, तो वही इस पे लगा होता है, ठीक है। तो ये लोशन वगैरह, कंफर्ट, सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं यहाँ पे। सो ये देखो तवा, ये डोसा तवा ले आए आयरन तवा के बजाय, तो बोले यही मिल रहा था और कुछ नहीं मिला, और कटलरी में ये सब मिला इनको, और धनिया देखो कितना फ्रेश है और बिल्कुल छटा हुआ है, मतलब मेरे को छाटने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और शिमला मिर्च जो भी हमारी नॉर्मल सब्जियां वो सब लेके आए, अदरक, गरम मसाला, और ये क्या बोलते हैं केले, चीकू खाता है एप्पल और केले, चीकू के लिए आते हैं घर में, और ये सारा जो भी छोटा मोटा सामान जो हमें इस वक्त ज़रूरत है, चाय पत्ती छानने की जो छलनी है वो सारी चीज़ें, और सबसे मेन कुकर, हमें लगा था कुकर वहाँ मिलेगा नहीं, बट हम लोग रिस्क पे आए थे कि चलो मिल जाएगा देखते हैं बाकी पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें मिल गया कुकर भी और ग्राइंडर, ये पूरा फूड प्रोसेसर उठा लाए थे उसमें सब कुछ मिल गया था, ठीक है। उसके बाद जो है सोनू चीकू मीकू के साथ खेले, मीकू उठ गया था, उसके बाद मैंने अगेन शाम के लिए बनाई चाय अच्छे से, मतलब मैंने किचन का यूज़ किया, सारे बर्तन जितने नए आए थे पतीला लेके आए थे सोनू, क्रोकरीज यहाँ पे थी लेकिन अजीब सी थी, पुरानी तो मैंने यूज़ नहीं की। सो गैस का कनेक्शन दो जगह से, एक बिल्कुल बाहर से जो मैंने बटन दबाया, एक ही अंदर से, तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे कैसे चीज़ें होती हैं, एमएनटीज कैसे वर्क करती हैं। तो ये देखो मैं गिनती की 8 बार चलाऊँगी इसको, तब जाके ये होगा। साइड में बटन है जो लाइटर का काम करता है, तो ऐसे ही
चलती है ये, और मैच बुक से भी आप चला सकते हो, अगर आप बटन दबा के नहीं चलाना चाहते तो ऐसे भी चल जाती है। सो मैंने अभी हाथ से अंदाजे से जो है ये सब डाला है चीनी पत्ती, और मैं सोनू को बता रही थी कि इस पे क्या लिखा हुआ पढ़ के बता सकते हो अरेबिक में, तो वही बोले कि चाय पत्ती। ठीक है, तो अभी तो मैं अंदाजे से सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैं यहाँ पर नहीं भरना चाह रही ज़्यादा सामान, क्योंकि फिर ले जाना भी है, हमें फ्लैट देखना है वीकेंड्स पर। तो अभी तो आज फर्स्ट डे है, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। अच्छा ही गया हमारा, खाना भी बनाया मैंने रात को यहाँ पे, क्योंकि सारा सामान सोनू ले ही आए थे, कुकर कढ़ाई वगैरह। और दूध देखो यहाँ पे आता है दूध बोतल में, ये 6 दिन चलता है और इतना अच्छा दूध है, बाय गॉड यहाँ का दूध दही, मैं फ़ैन हो गई हूँ दही की। मैं इतनी दही खा रही हूँ जब से यहाँ पे आई हूँ, इतनी अच्छी दही। सोनू बोले योगर्ट होता है, मैं जब फिनलैंड गया था वहाँ भी दही बहुत लाजवाब था, बोलते दूध दही का खाना ऐसा मेरा हरियाणा, बट मेरे को तो भाई दुबई में आके दही खाने को इतना अच्छा मिला है, मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया, बहुत अच्छा दही और दूध भी। तो चाय भी बहुत अच्छी बनाई मैंने, सोनू को बोला आपने अच्छी नहीं बनाई थी सुबह, मैंने ज़्यादा अच्छी बनाई है उबाल उबाल के। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा चलो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और जनाब को देखिए, पेट देखो पीछे इतना ही फैला हुआ है, और बोल रहे मैं जिम जाऊँगा ये करूँगा, कुछ नहीं करने वाले, ऊपर से अमूल का बटर लगा के ब्रेड पे ठूस रहे हैं। देखो मैंने इनको यही बोला था कि क्या जिम करोगे, फिर मैंने इनको थोड़ा बहुत ज्ञान बांटा, कुछ बोला इनको कि कुछ नहीं होना आपसे, ऐसे ही सारे कपड़े टाइट हो गए हैं ये सब। ठीक है, सो फिर मैंने बोला चलो बाय बाय कर देते हैं, व्लॉग को एंड कर देते हैं यहीं पे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।